भारतीय जनता पार्टीको जनसभामा तृणमूल नेता मोहन शर्मा सामेल। कालचिनी खण्डको सुभाषिनी चियाबारीको मैदानमा सम्पन्न भारतीय जनता पार्टीको चुनावी सभामा मोहन शर्माले होम मिनिस्टर अमित शाहको उपस्थितिमा भारतीय जनता पार्टीमा सामेल जनाए। यस समय भारतीय जनता पार्टी अलिपुरद्वार जिल्ला सभापति गंगा प्रसाद शर्मा, दार्जिलिङ सांसद राजु विष्ट, अलिपुरद्वार सांसद जोन बार्ला आदिको उपस्थितिमा भारतीय जनता पार्टीको झण्डा समाउँदै भाजपामा सामेल भएको छ। घरको चावल दाल और यहाँ तक कि तेल देने का काम किया है। इतना दूर रहते हुए मोदी जी ने हम सब की चिंता की है। इस बार मोदी जी ने फिर बताया है कि कार्ड तो दे दिया, पश्चिम बंगाल में सही तरह के उपचार करने के अस्पताल नहीं है, उस कार्ड का हम करें तो क्या करें। इतना ही नहीं, जो हमारे माइग्रेंट लेबर, हमारे जो युवा साथी बाहर दूसरे प्रांतों में रहते हैं, उनके लिए वो कार्ड जो है उनके चलता भी नहीं है और प्राइवेट अस्पताल वाला लेता भी नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, आयुष्मान भारत कार्ड आप सबको मिलेगा, आप मुफ्त में 5 लाख रुपए तक का इलाज कर पाएंगे। किसान सम्मान निधि बार बार हम सुन रहे हैं, जैसे ही कैबिनेट बने दीदी को उखाड़ना है पश्चिम बंगाल से, तो 2 मई तक जो है ये जोश बना करके रखना पड़ेगा। आप सब लोग जरा हाथ ऊपर करिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जोहार, जय गोरखा, जय श्री राम। हमारे भारत सरकार के मंत्री परम आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आदरणीय श्री भी गुंडे हैं जिन्होंने इल्लीगल एक्टिविटी कर रखी है, खोज खोज के पकड़ पकड़ के ठूस ठूस कर जेल में ठूसने का काम भी हम करेंगे। और इतना ही नहीं, जो चाय बगान बंद है उन सबको भी हम खोलेंगे, उन सबको भी चालू करेंगे। किसी तरह का कष्ट हमारी अलीपुर द्वार, दार्जिलिंग और तराई डुवर्स की जनता को होने नहीं देंगे। बनेगी आप सबको पर्जा पट्टा मिलेगा। इतना ही नहीं, जोन बार्ला जी हमारे बीच मौजूद है, जोनदा और 51 खत्म होना चाहिए। मुझे ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है, पार्लियामेंट में श्रमिक को लेकर के बिल पास हो चुका है, अभी रूल्स बन रहे हैं, जल्दी सारे सबे सबे चाय बगान में मिनिमम वेज रोज मिलना शुरू हो जाएगा और इसके अंदर में कोई कटौती नहीं होगी। ईएसआई के अस्पताल बनेंगे। 2021 में संकल्प पत्र में लिख करके दिया है, जितने भी हमारे चाय बगान में काम करने वाले श्रमिक भाई बहन हैं, या दार्जिलिंग में सिंकुना बगान में काम करने वाले भाई बहन हैं, या डीआई फंड में रहने वाले हैं, या वन बस्ती में फॉरेस्ट लेन में रहने वाले लोग हैं, उन सबको जमीन का पट्टा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और सबके लिए मिनी